क्यों चली गई परी, क्यों मुझे अकेला छोड़ के चली गई? जानती हो ना, एक सेकंड भी नहीं रह पाता हूँ तुम्हारे बिना। पूरी जिंदगी तुम्हारे बिना रहूंगा? नामुमकिन। आई मिस यू परी, प्लीज वापस आ जाओ। तुम्हारा राजी तुम्हें बहुत मिस कर रहा है, हर पल मिस कर रहा हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ। मेरे पास वापस आ जाओ। और माँ के दरबार में हमें शादी भी तो करनी है ना। शादी की बात कर रहे हो तो? तुम तो नीति से शादी करने वाले थे ना, अब तक तो तुम्हारी और नीति की शादी हो भी चुकी होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेलोगे। नीति के साथ मिलके तुमने मेरे इमोशंस, मेरे फीलिंग्स सबको मार डाला। उनके भी पीछा नहीं छोड़ा तुमने मेरा परी, बड़ी सख्त जान है। अभी भी मेरे और संजू के बीच में तीव्र, अब छुटकारा मिलेगा तुझसे, समझ नहीं आ रहा मुझे। पागल बना दिया तूने मेरे संजू को एकदम। कौन से जन्म का बदला ले रही है मुझसे? हाँ, मेरा संजू ऐसा नहीं था। मैं ऐसा नहीं था, तुमने मुझे बदल दिया। तुमने मुझे एहसास करवाया कि सच्चा प्यार क्या होता है। लेकिन जब मुझे प्यार का एहसास हुआ, तुम मुझे छोड़ के चली गई परी। तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ के चली गई, लेकिन दे गई हूँ मैं। यही हूँ, इसी दुनिया में हूँ, बस खामोश हूँ। लेकिन ये खामोशी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी, क्योंकि मैं तुम लोगों की दुनिया में बहुत जल्दा होंगी। तुमने और नीति ने मिलके मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। नीति ने मेरे बच्चे को मार डाला और मैं कुछ नहीं कर पाई। लेकिन अब हर चीज का हिसाब होगा। अगर मैंने तुझे तेरे दिए हुए धोखे की सजा नहीं दी ना नीति, तो लोगों का दोस्ती पर से विश्वास उठ जाएगा। अगर मैंने तुझे तेरे की सजा नहीं दी, मेरी ममता मुझे धिक्कारेगी। अपने बच्चे के मौत का बदला मैं तुझसे जरूर लूंगी। और राशि, तुम्हें भी इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं मैं, याद रखना। बहुत जल्द वापस आऊंगी। आप में से नीति जुनेजा, सुलोचना बाजवा और राजीव बाजवा कौन है? नीति जुनेजा, मैं हूं। मायसेल्फ सुलोचना बाजवा। और राजीव बाजवा कहाँ है? आए राजीव बाजवा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, वो इंस्पेक्टर क्या हुआ? परी मिल गई? मुझे पता था कि परी जिंदा है, ये लोग मेरी बात मान ही नहीं रहे थे। अब चलिए, मुझे परी से मिलवा दीजिए। बंद करो ये नाटक। ये नाटक इंस्पेक्टर साहब, इस लड़की ने मेरी बेटी को मारा है। नीति, इसने खून किया है मेरी बेटी का। और ये राजीव, उसकी माँ गुरिंदर और ये बेबे, ये सब मिले हुए हैं नीति के साथ इस काम में। एक मिनट, गुरप्रीत बहन जी, की कह रही हैं आप? चंगी तरह जानती है कि संजू परिनो किन्ना चाहता था, फिर भी आप ऐसा कह रही हैं? आप जो कह रही है ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना आप उस पर गलत इल्जाम लगाओ। ये ऐसा कुछ नहीं कर सकता। कौन क्या कर सकता है क्या नहीं, इसका फैसला पुलिस करेगी। हमारे पास बहुत से ऐसे केस आते हैं जिसमें अपराधी घर का ही होता है और उसकी पूरी फैमिली उसकी गारंटी भी लेती है। फिलहाल तो हम गुरप्रीत जी की कंप्लेंट पे नीति जुनेजा, राजीव बाजवा, सुलोचना बाजवा और गुरिंदर बाजवा को पुलिस स्टेशन ले जाने आए।
चलिए आप चारों हमारे साथ पुलिस स्टेशन। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब। बहन जी, ये क्या नाटक लगा रखा है आपने? अगर आपको लग रहा है कि हम सबने मिलकर परी को मारा है, तो फिर आपने प्रजाई जी, प्राजी, मोंटी, दलजीत इनका नाम क्यों छोड़ दिया? और खास तौर पे भी बहन बबली, हम सब एक साथ गए थे वहां दर्शन करने। परी पहाड़ी से गिरी थी, क्यों नहीं लिया सबका नाम आपने? मुझे पता है कौन मेरी बेटी को मार सकता है। अब बिना किसी सबूत के कैसे साबित करोगे आप? अगर ऐसी बात है तो मैं एक मिनट में साबित कर देती हूँ कि सब लोगों ने मेरी बेटी को मारा है। तब तो इनकी गिरफ्तारी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना दलजीत? वैष्णो देवी में तेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो उस परी के साथ हुआ था जो सबसे प्यार करती थी, सब पे भरोसा करती थी। लेकिन वो परी अब मर चुकी है और मरे हुए लोग तो कभी जिंदा ही नहीं होते। मैं जानती हूँ जिन लोगों से आप प्यार करते हैं उन्हें भुलाना आसान नहीं होता, पर तू उन्हें याद करके ऐसे रो नहीं सकती। बच्चे, तुझे रोना आता है, रो, लेकिन दुनिया से छुपकर। दुनिया के सामने जब भी आए तो इस बेरहम दुनिया को लगना चाहिए कि दुनिया की सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत लड़की उनके सामने खड़ी है। इसलिए रोना बंद कर मेरे बच्चे, अपने आप को हिम्मत दे। कहाँ जा रही हैं? कहाँ जा रही हैं? भैया जो आप ढूंढ रही हैं? बोल, क्यों किया तूने मेरी बेटी के साथ ऐसे? क्या करी? क्यों किया? पकड़ो इन्हें, क्या कर रही हैं? छोड़िए इन्हें, पकड़ो इन्हें, पीछे करो। बेटी के साथ मैंने कुछ नहीं किया है, वो खुद फिसल के गिर गई है। झूठ बोल रही है तू, मैं तेरी बात नहीं मानती। ठीक है तो सच बताती हूँ इंस्पेक्टर साहब, सच ये है कि गुरप्रीत आंटी काफी देरों से कोमा में थी, पता नहीं कब बाहर आई कोमा से, और मौका देखते ही ये परी को अपने साथ ले गई वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए, और मौका देखते ही इन्होंने परी को पहाड़ी से धक्का देके मार डाला। बकवास बंद कर अपनी। क्यों? आपका नाम लिया तो बकवास हो गई? जुबान पे लगाम दे। इंस्पेक्टर साहब आप कर क्या रहे हैं? इन्होंने आपके सामने मुझे थप्पड़ मारा और अब धमकी दे रही, और आप कुछ नहीं कर रहे? बाहर लेके जाओ, चलिए बाहर लेके जाओ, चलिए। गुरप्रीत आंटी के पास कोई सबूत नहीं हमारे खिलाफ, ये सिर्फ दर्द में है और गुस्से में है परी के जाने से, इसलिए हमारा नाम लिखवा दिया शायद। आप प्लीज हमें जल्दी फ्री कर दीजिए क्योंकि हमें परी के चौथे की पूजा में जाना है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों को मत छोड़िएगा। गुरप्रीत जी, आपने तो कहा था इन लोगों के खिलाफ, आपके पास कोई बहुत बड़ा सबूत है, कहाँ है वो सबूत? इंस्पेक्टर साहब, मेरा दिल कहता है कि इन लोगों ने मेरी बेटी को मारा है। एक माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। इन लोगों ने बड़ी चालाकी से सबूत को मिटा दिया है। आप मेरी बात को यकीन मानिए और इन लोगों को जेल में बंद करवा दीजिए प्लीज। गुरप्रीत जी, ऐसा नहीं होता, हम इन्हें ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते। मुझे अरेस्ट कर लीजिए। पुत्र, मैंने मारा परी को। संजू पुत्र, वो की कह रहे हैं तू? बिल्कुल सच कह रहा हूँ ताऊ जी, मैंने खून किया अपनी बीवी का। संजू पागल तो नहीं हो गया, क्या बोल रहे हो? मैंने अपनी बीवी, अपनी परी को मारा है। अगर उस रात में उसे अकेला नहीं छोड़ के जाता ना, तो आज वो हमारे साथ होती, हमारे बीच। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं टाइम पे परी के पास पहुंच जाता ना, मैं अगर परी के पास नहीं पहुंचा तो इसका मतलब यही हुआ ना कि मैंने परी को मारा है, मैंने खून किया उसका। मुझे प्लीज अरेस्ट कर लीजिए, मुझे अरेस्ट कर लीजिए प्लीज, मुझे अरेस्ट। देखिए, आप उसे नहीं बचा पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपराधी आप ही हो गए। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसी ने मारा है उसे, इस लड़की के साथ मिलके मारा है इसने परी को। अगर ये नीति से नहीं मिला होता तो ये मेरी परी के साथ होता, लेकिन इसने परी को अकेला छोड़ दिया और मेरी बच्ची। मुझे प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए, आप प्लीज संभालिए। नहीं, छूना मत मुझे, दूर हो जा मेरी नजरों से, दूर आ जाइए। कानून या पुलिस तुझे खूनी माने या ना माने, पर मेरी नजरों में तू मेरी परी का खूनी रहेगा, हमेशा हमेशा।
ने मेरे अंदर एक नई शक्ति पैदा की। थैंक यू, आपने मुझे इमोशनल होके सोचने से बचा लिया। आपने जो कहा मैं वही करूंगी। और याद रखना, तेरी इस लड़ाई में मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। माता रानी ने मेरी बेटी मेरे पास भेजी है और इस बार मैं किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को नहीं हारने दूंगी। इस बार जीत होगी तो सिर्फ और सिर्फ हमारी। क्या हुआ निधि, तेरे चेहरे पर ऐसे 12 क्यों बजे हुए हैं? अब तो तेरे को खुश होना चाहिए। तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा जो चला गया। खुश होके क्या करूं, नाचूं गाऊं या ढोल बजा दूं? कुछ मत कर, कुछ मत कर। तू ना जा अपने कमरे में और शांत होकर बैठ जा। वो परी भी मर गई है। वही तो, परी ही तो मरी है बेबे, लेकिन घर के लोग ऐसे शौक मना रहे जैसे कोई सगा मेंबर मर गया हो। परी यहाँ पर रहती थी, उसकी यादें सब चीजों से जुड़ी थी, वो इस घर की बहू थी, तो उसके चले जाने का सबको दुख तो होगा ना। लेकिन देख, मुझे तो कोई दुख नहीं, मैं तो हंस रही हूँ। अच्छा तू मुझे ये बता कि परी के जाने का शोक सबसे ज्यादा कौन मना रहा है जिसको देखकर तू इतनी परेशान हो रही है? बेबे, संजू कम था परी परी करने के लिए, जो उसकी मम्मी जी भी जिंदा बचकर आ गई है। मैं ना तंग आ गई हूँ सच में सबको उसके लिए रोता हुआ देख के। अरे इतना ही प्यार है परी से, तो जाकर कूद जाए ना उसी पहाड़ी से और मर जाए सबके सब। मुझे सिर्फ संजू से मतलब है और कोई नहीं चाहिए मुझे यहाँ पर। चुप, पागल लड़की, किसने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। धीरे आवाज में बात करना, कब से चिल्ला कर बात कर रही है? तो मैं क्या करूं, नहीं सहन हो रहा मुझसे कुछ भी, नहीं सुना जा रहा परी परी को। रोक, देख निधि, कुछ चीजें ना हमारे हाथ में नहीं होती, उन्हें वक्त के हवाले छोड़ देना चाहिए। परी की यादें जो हैं इस घर की हर एक चीज से, हर एक इंसान से, हर एक घटना से, अच्छी बुरी सबसे जुड़ी हुई है बेटा। परी को भूलने के लिए सब लोगों को थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा ना। तू तो बस पता क्या कर, सिर्फ संजू को खुश रख। कि संजू को तू खुश रखेगी ना तो सारे लोग घर के अपने आप खुश हो जाएंगे, और सारे लोग भी खुश होंगे ना तो संजू उनको देख देख के खुद भी खुश हो जाएगा। देख संजू के साथ साथ ना तू इस घर वालों का भी ख्याल रख। धीरे धीरे ना उनके दिल से ना परी की याद को निकाल दे, उसकी जगह लेना शुरू कर दे बस। मैं कुछ भी कर लूं, परी की जगह मुझे मिलना आई डोंट थिंक ऐसा कभी होगा। और वैसे भी मुझे उसकी जगह चाहिए भी नहीं, मैं अपनी जगह खुद बनाऊंगी इस घर में, बस कोई मेरे अगेंस्ट खड़ा ना हो। कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा बेबे, जिससे कि कोई मेरे अगेंस्ट खड़ा ना हो। और उसके लिए क्या करना है आई थिंक आई नो। ये होया, सब ऐसे क्या देख रहे हैं? नाश्ता शुरू करो। संजू ये लो कुछ खा लो। नहीं खाना। अच्छा थोड़ा सा खा लो। हाँ फोर्स मत करो, नहीं खाना मुझे। पुत्र संभाल अपने आप को, तुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा है, लेकिन तू खाएगा नहीं तो बीमार पड़ जाएगा ना, और जीने के लिए कुछ तो। नहीं जीना, नहीं जीना परी के बिना, और क्या करूं परी के बिना जी के। मंदिर में गए थे ना शादी करने के लिए, मां से अकेला छोड़ के चली गई मुझे। क्यों, कितना प्यार किया था उससे, एक सेकंड परी के बिना जी नहीं पा रहा हूं। उसकी मां कहती है कि मैंने गल सुन, मैं तेरी हालत समझ रही हूं पुत्र। अगर वो तेरी बीवी थी तो वो मेरी बेटी भी थी, लेकिन मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। तू भी अपने आप नु संभाल, चल थोड़ा सा खा ले पुत्र, सब तेरे ही पसंद का। कुछ भी मेरी पसंद का नहीं है, जो मेरी पसंद का है ना वो परी बनाने जानती थी। आप चाहते हो कि मैं खाना खाऊं? खा लूंगा, परी को बुला दो, उसके हाथ की बनी हुई सूखी रोटी भी खा लूंगा, कोई डिमांड नहीं करूंगा। इस परी को बुला दो। हो गया तेरा, जा।
जाकर जी भर के रो ले तू। लेकिन उससे पहले मैंने ये बता कि उसकी याद में कब तक रोता रहेगा तू। अगर तुझे लगता है कि पूरी जिंदगी तू ऐसे ही निकाल लेगा ना, तू कल सोच रहा है। मैं तुझे ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती। अरे जा चुकी है, वो मर चुकी है, सच्चाई को तुझे अपनाना होगा पुत्र। रोने से चीजें ठीक नहीं होती है, चीजें ठीक होती है आगे बढ़ने से। याद कर परी के क्या सपने थे, वो क्या चाहती थी। अगर वो चाहती थी कि तू अपने काम में और तरक्की करे तो तू अपने करियर पर ध्यान दे पुत्र। उसकी क्या ख्वाहिश थी कि तू किस मुकाम तक पहुंचे, तू उस मुकाम तक पहुंच कर दिखा। अगर वो समाज का भला करना चाहती थी तो उसकी इस ख्वाहिश को पूरा करना तेरा फर्ज है पुत्र। उसके हर अधूरे सपने को पूरा करना तेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए पुत्र। और हाँ, मैं तुझे रोने से रोक नहीं रही हूँ, लेकिन हर चीज के लिए एक समय होता है पुत्र। वक्त चलते अपने आप नु संभाल लेना चाहिए। मेरे कल समझ रहे? मैं जो चाहती हूँ ना सब पता है तुम्हें, मेरा हर एक सपना जानते हो तुम। हाँ तो हम हर दिन एक नया सपना देखते हैं, कुछ नया प्लान करते हैं, कुछ नई ख्वाहिशें होती हैं। पुराना तो सब कुछ पता है मुझे, नया क्या है? नया कुछ भी नहीं है। मेरा सिर्फ यही एक सपना है कि तुम बहुत बड़े बिल्डिंग डेवलपर बनो और अपनी बिल्डिंग्स बनाओ। बट ये तो मैं करता हूँ मिस्टर मेहरा के साथ। हाँ करते हो, लेकिन यही तो बात है ना, मैं चाहती हूँ कि तुम किसी और के लिए कुछ मत करो, जो करो अपना करो। अब तुम मिस्टर मेहरा के साथ मिलके 100 फ्लोर की बिल्डिंग्स भी बनाओगे, लेकिन खुद की तुम सिर्फ 4 फ्लोर की बनाओगे ना तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। और मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम मिस्टर मेहरा के एम्प्लॉय के रूप में ना जाने जाओ, बल्कि खुद राजीव बाजवा के नाम से जाने जाओ। और तुम्हारी कंपनी ना मिस्टर मेहरा की कंपनी से भी काफी बड़ी होगी। और हाँ, तुम ना सिर्फ बिल्डिंग्स मत बनाना, तुम स्कूल्स भी बनाओ, कॉलेजेस भी बनाओ, अनाथ आश्रम भी बनाओ और वृद्धाश्रम भी बनाओ, जहाँ सब कुछ फ्री हो। सब कुछ फ्री? हाँ, तुम्हें पता है ना आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पैसों की वजह से पढ़ नहीं सकते। अब हमारे देश के लिए भी कुछ करना तो हमारा ही फर्ज है ना। करेक्ट। और तुम ये जो स्कूल और कॉलेजेस बनाओगे ना, वहाँ सब कुछ फ्री होगा ताकि गरीब बच्चे आराम से पढ़ पाए। ओके मैडम, जैसा आप बोलो वैसा करूंगा मैं। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे दिमाग में इतनी अच्छी अच्छी इतनी प्यारी प्यारी बातें आती कहाँ से? एक्चुअली ये स्कूल कॉलेजेस बनाना, वृद्धाश्रम बनाना, अनाथाश्रम बनाना, ये सब ना मेरे बाबूजी का सपना था। वो चाहते थे कि वो अपने पिंड के जमीन में ये सब बनाए, लेकिन उससे पहले ही परी ये सब तो तुम्हारे बाबूजी के सपने हो गए, लेकिन तुम्हारा सपना क्या है? मैंने बताया ना तुम्हें, मेरा सिर्फ यही एक सपना है कि तुम बहुत बड़े बिल्डिंग डेवलपर बनो। तो तुम बताओ मुझे, तुम मेरा और मेरे बाबूजी का सपना पूरा करोगे? 100%। ऐसे नहीं, प्रॉमिस करो। पिंकी प्रॉमिस। परी मर चुकी है, लेकिन हम तो जिंदा है ना। हमें परी के हर एक ख्वाहिश, हर अधूरे सपने को पूरा करना होगा। तू इस सब पर ध्यान दे पुत्र, ऐसा कर, ये आंसू मत बहा। परी तुझे जहां से भी देख रही होगी ना, वो खुश नहीं होगी। अगर तू फिर भी उसे तकलीफ देना चाहता है ना, तो मैं तुझे रोने से रोकूंगी नहीं। बाकी तो खुद समझदार है। सही कह रहे हो ताई जी, मैं वही करूंगा जो परी चाहती थी। ताई जी, संजू बिना कुछ खाए ही चला गया है, तो बाहर जब जाएगा उसे भूख लगेगी, मन करेगा खा लेगा। ओए मम्मी, वो अभी परी के दर से बाहर नहीं निकला, ऐसे में उसे अकेला छोड़। उस दर से निकालने के लिए ये सब किया है मैंने। घर में बैठा रहेगा और दर्द में डूबता चला जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। मैंने बस उसके दर्द को एक रास्ता दिखाया ताकि वो जल्द से जल्द इस दर से बाहर निकले। और तुसे चंगी तरह जानते हो, जितना वो अपने काम में बिजी होगा उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। बाकी सब चीजें तो अपने आप ठीक हो जाएंगी।
वो तेरी गल ठीक है, लेकिन इस वक्त ना उसे हमारी जरूरत है और मैं उसे ना इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। अमित चल मेरे साथ। मुझे एक ऐसे भी करके संजू को अपने नजदीक लाना होगा।